आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ है जोरहाट में, जो राजनीति में धारा के विपरीत अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। मिस्टर अजय एडवर्ड्स हमरो पार्टी के मुखिया, ही द सुप्रीम ऑफ हमरो पार्टी, और अगेंस्ट द वेव के लिए जाने जाते हैं, हमेशा अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ इम्फाल से वो लगातार राहुल के साथ है, और अपनी पार्टी के जो स्थापना उन्होंने की, 2 साल पुरानी इनकी पार्टी है हमरो पार्टी, और उससे पहले वो आज गोरखा नेताओं में जो सबसे बड़े नेता के रूप में वो चेहरा उभर कर आए हैं, और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इस पूरी न्याय यात्रा के संदर्भ में अजय जी से हम कुछ बातें करेंगे। अजय जी आपका स्वागत है सबसे पहले जोरहाट में। नमस्कार। सांस्कृतिक नगरी है जोरहाट, कल्चरल कैपिटल ऑफ असम। हमारा सबसे पहला सवाल है सर आपसे, जैसी की चर्चाएं आ रही है आप न्याय यात्रा के साथ चल रहे हैं, हालांकि आपने अपने बयानों में बार बार कहा है कि आप भाजपा ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने जिस गोरखाओं के जिस सपने को अपना सपना बताया था, मोदी ने उस सपने को 10 साल में पूरा नहीं किया, जो एक मोह भंग हुआ है, तो आपने बराबर बयानों में कहा कि हम भाजपा टीएमसी सभी से समान दूरी रखेंगे, जैसा कि हमारे सोर्सेज हमारे पास जो जानकारी मिली है हमें, और उसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ, चूंकि राहुल ने जो एक तरीका अपनाया लोगों तक पहुंचने का, उसने आपको अपील किया है, हालांकि आपकी अपनी पार्टी हमरो पार्टी जो अपने आप में हमारी पार्टी जो आप कहते हैं, तो इस पार्टी की धार जो आपका चुनाव चिन्ह है खुखरी, तो लगातार उसकी धार तेज होती जा रही है, तो हम चाहेंगे निश्चित रूप से आप पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल इस पर वर्तमान क्या स्थिति है सर, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमरो पार्टी कहां खड़ी है इस राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सर? देखिए, जो बीजेपी हम लोग का क्षेत्र में जीटीए क्षेत्र बोलता है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र बोलता है, उसमें हम लोग बीजेपी को 15 इयर्स से हम लोग लगातार, जैसे नागालैंड में सिर्फ एक एमपी है, हम लोग का क्षेत्र में भी एक एमपी आता है, सो उधर से 3 टर्म्स जसवंत सिंह फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एसएस आलियावाला, और थर्ड टर्म हम लोग का भाई जो मणिपुर का रहने वाला गोरखा भाई है राजू बिस्ट को हम लोग जिताया बीजेपी से, भाजपा से। और फर्स्ट जब जसवंत सिंह को दार्जिलिंग में उम्मीदवार बीजेपी का माने जीत हासिल किया, बंगाल में बीजेपी का अकाउंट भी खुला नहीं था, जीरो, लेकिन दार्जिलिंग गोरखा जाति ने बीजेपी का साथ आस्था रख लिया, और 15 इयर्स हम लोग लगातार हम लोग वोट किया, लेकिन इंडिया भर सड़क देखता है हम लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तेज जाने सहेगा, लेकिन हम लोग का दार्जिलिंग में अभी तक बहुत सारा ऐसा जगह है अभी तक रोड नहीं पहुंचा, देखता है मून में रोवर लैंडिंग हो गया, लेकिन दार्जिलिंग में बहुत सारा क्षेत्र है मॉनसून में उधर जाने के लिए भी मून का जैसे डिफिकल्ट होता है, हम लोग का आदमी लोग मॉनसून में हॉस्पिटल नहीं जाने से वो उसका मृत्यु होता है। सो बीजेपी जो प्रॉमिस कर रहा है इंडिया में दिखा रहा है, वीडियो में दिखा रहा है, लेकिन हम लोग का क्षेत्र में और गोरखा भाषी को जो बताया था अमित शाह जी होम मिनिस्टर बताया था, हम गोरखा के लिए चट्टानों के इधर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी भी बोला गोरखा लोग का सपना मेरा सपना है, लेकिन 15 साल तो बहुत समय दिया ना हम लोग, लेकिन आश्वासन में हम लोग 15 साल हम लोग का 15 साल ये लॉस्ट डेकेड, डेकेड से 1.5 डेकेड हम लोग का जातियों के लिए, हम लोग का क्षेत्र के ये लॉस्ट डेकेड है। सो हम लोग सोचा प्रेशराइज करना पड़ेगा, 15 साल तो हम लोग दिया, आश्वासन भी दिया, संकल्प पत्र में भी हम लोग का मांग डाला, एक बार नहीं दो बार, लेकिन वो संकल्प पत्र माने क्या, एक प्रॉमिस है ना हम लोग का जातीय को, प्रॉमिस गोरखा जाति से लॉयल होता है, एक बार बीजेपी का साथ 15 साल दिया लेकिन वो लॉयल्टी का माने महत्व अभी तक नहीं, क्योंकि 3 टर्म्स और 0 आश्वासन, संकल्प पत्र में जो जो लिखा एक ही भी चीज नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करें, हम लोग देखता है
राहुल गांधी को देखता है मणिपुर में कुछ घटना होने से वो खड़ा होता है मणिपुर का आदमी लोग का साथ, जम्मू कश्मीर कुछ होने से वो खड़ा आता है। लेकिन हमें मोदी सरकार को हम लोग गार्जियन माना था, एक गार्जियन गोरखा जाति का एक गार्जियन। लेकिन हम लोग का आंदोलन में 105 दिन बंद हो गया, बंद मैंने टोटल, ये सिर्फ रास्ता नहीं, हॉस्पिटल के साथ इंटरनेट के साथ टोटल 105 डेज क्लोज्ड। खाना खाने वो नहीं था, राशन पानी नहीं था, लेकिन मेरा गार्जियन गोरखा जाति का गार्जियन एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द। हम लोग का चुना हुआ एमपी एक शब्द नहीं बोला। 2017 का आंदोलन 105 दिन में, उस टाइम मोदी जी हम लोग का साथ खड़ा, अमित शाह जी हम लोग का साथ खड़ा होने था, दूसरा मूवमेंट होता था, अभी तक बहुत अच्छा होता था हम लोग का क्षेत्र, चुपचाप। तो इसलिए एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी को देखता है हम लोग, और एक आस्था कि कल उसका कठिन समय में हम लोग खड़ा हुआ है। मणिपुर जैसे हिंसा माने देयर इज इट्स लाइक अ वॉर जोन, लेकिन उधर भी दार्जिलिंग से 1200 किलोमीटर से गोरखा को प्रतिनिधि करके हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन उसका साथ खड़ा हुआ। हम लोग को सोच है, 15 साल तो बीजेपी को दिया, ठीक है राहुल इस बार होगा नहीं होगा, सत्ता में होगा नहीं होगा, लेकिन एक समय आएगा, वो समय में हम लोग उसका साथ था बोल के एक उम्मीद है। हम लोग का सुनवाई होगा दिल्ली में, इंडिया का मैंने टॉप लीडरशिप में हम लोग का कुछ होगा। और फिर भी अपोजिशन पार्टी है, हम लोग भी दार्जिलिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन है हम लोग का क्षेत्र में। ऑपोजिशन इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, ऑपोजिशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है मोदी का सरकार ये 2024 में बनाने से भी हम लोग का संसद सिर्फ एक, लेकिन कांग्रेस का टॉप लीडरशिप के हम लोग का संबंध गोरखा जाति का संबंध होने से हम लोग का इश्यूज और महत्वपूर्ण होगा। वो सदन में 50, 100, 150 एमपी गोरखा जाति का इश्यू में बोलने से 1 एमपी जो हम लोग का एमपी है उसको सपोर्ट कौन भी नहीं कर रहा है। सो दिस इज आवर डिसीजन दैट ये टिकट का ले, एक एमपी चुनाव का ले नहीं, एक संबंध लॉन्ग टर्म संबंध बनाने के लिए ये हम लोग का प्रयास है, प्रयास। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा सर, और आपने जो अहम बात कही कि सत्ता की बजाय एक स्ट्रांग ऑपोजिशन जो है, अगर एक मजबूत विपक्ष भी रहता तो बहुत जरूरी होता है। आप आज दार्जिलिंग के अंदर आपकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है, हालांकि मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, लेकिन चूंकि हमेशा आप जनप्रतिनिधि बनकर काम अच्छा कर सकते हैं, आपने जो बताया कि मिस्टर अहलूवालिया या जसवंत सिंह जी जब उस समय साइनिंग इंडिया था, अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना था उस समय, और जसवंत सिंह जी आए थे उस समय बड़ी उम्मीदों के साथ, आपने कहा कि निराश हुए हैं आप लोग और सड़कें नहीं पहुंची अभी तक, वो जो विकास का मॉड्यूल है वो दार्जिलिंग के कई इलाकों में नहीं पहुंचा, जीरो। और राजू विष्ट जो है वो उनसे भी आप निराश हुए हैं जो आपके वहां से अभी फिलहाल सांसद है। तो सर अभी जो ये चर्चाएं आ रही है कि एक भूमि, सबसे बड़ी बात की दार्जिलिंग की जो सीट है वो भूमि पुत्र को दी जाए, सबसे पहली बात तो कभी जसवंत सिंह आते हैं लैंडिंग करते हैं, पैरासूट लैंडिंग होती है, कभी मिस्टर अहलूवालिया आते हैं, तो जो गोरखा का जो मैन जो एक रिप्रेजेंटेशन है दार्जिलिंग से आता है, एक लोकसभा सांसद होता है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अजय एडवर्ड वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या वो कांग्रेस समर्थित या अन्य पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार होंगे, या ऐसी भी आपके जो विरोधी आरोप लगाते हैं कि ये सारी कवायद आप बीजेपी के भी नजदीक जाने के लिए ये एक बार्गेनिंग थोड़ी चल रही है, इस सारे मामले में आप खुद को एक उम्मीदवार के तौर पर निकाय चुनाव में एक महज कुछ मतों से आप हारे, हालांकि आपने अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई, पहली बार में हमरो पार्टी हमारी पार्टी के रूप में उभर कर आई, तो निश्चित रूप से कोई बड़े लक्ष्य आपने तय किए हैं कि लोकसभा सांसद के रूप में आप जाकर गोरखाओं की आवाज उठाएं। नहीं देखिए ये जो होता है वो अफवाह, वो रूमर्स, और इसमें बिलीव नहीं करना है मेरा जनता को हम बोलता है, क्योंकि अभी ये जो भ्रमण में हम लोग आए, जो यात्रा और मेरे साथ मेरा यात्री लोग आया दार्जिलिंग से, हम लोग टिकट कर ले एमपी का बनने का एक इच्छा लेकर आया नहीं है, हम बोला है स्पष्ट
कि हम लोग आया है कांग्रेस जो हम लोग ये 15 साल जो बीजेपी को दिया उसका आगे हम लोग कांग्रेस, मेरा दादाजी, मेरा पिताजी टोटल कांग्रेस सपोर्ट करता था आगे, और जो गोरखा लोग को किया डाजी मेरे क्षेत्र में वो सिर्फ कांग्रेस किया। राजीव गांधी देखिए, हम बोला आपको 2017 में एक शब्द भी नहीं बोला हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, वो माने मोदी जी इज माय प्राइम मिनिस्टर आल्सो, नो इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिर्फ यूपी, इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिर्फ मध्य प्रदेश, इज माय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2017 में हम लोग को इतना दुख कष्ट होने का बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन राजीव गांधी 86 में सुभाष किसी का आंदोलन हो रहा था, हम लोग का साथ 2-3 बार आया और हम लोग का साइड में खड़ा हुआ। उस टाइम ज्योति बासु का गवर्नमेंट था वेस्ट बंगाल में, 1200 शहीद हो गया उस टाइम, लेकिन उस टाइम राजीव गांधी आया, अपने जीप चला के आया ऊपर और बोला गोरखा जाति एंटी नेशनल नहीं है, देशद्रोही नहीं है, सिर्फ वो लोग को ऑटोनॉमी चाहिए और इंडिया देना पड़ेगा ऑटोनॉमी। हम लोग का साथ खड़ा हुआ, इसलिए सुभाष किसिंग हुआ। सो मेरा मकसद सिंसियरली बोल रहा है, हम वो टाइप का पॉलिटिशियन, हम तो पॉलिटिशियन भी नहीं है, हम तो सोशल वर्कर टाइप का सोचता है। हम ये आने का 100% सत्य है कि सिर्फ कांग्रेस का साथ, जो गोरखा जाति का एक संबंध टूटा हुआ था, ये संबंध जोड़ने के लिए, और एमपी उम्मीदवार ये सब ये अफवाह है, ये रूमर्स है। हम लोग का पार्टी किसका साथ जाना है, हम लोग को उम्मीदवार निकालना है, किस गठबंधन, ये टोटल हम लोग का पार्टी का सेंट्रल कमेटी मिलके ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोस कॉन्स है। ये अपना एम्बिशन, अपना वो आगे करने के लिए नहीं, हम लोग का जाति का इतना, देर इज सो मच ऑफ गरीबी बॉस, गरीबी। हम लोग जाते हैं ना वो विलेज पंचायत एरिया में, कथा क्या है, दो एक लड़का एक लड़की को हम मिला था उसका घर में और बोला व्हाट आर यू डूइंग, आर यू स्टडी, यस आई एम डूइंग ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बेटी बोल रहा है। मंडे है आज, क्यों स्कूल नहीं जा, कॉलेज नहीं है, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, वो आंसर नहीं किया, वो उसको शर्मिंदा आया। सोच आप माँ को बोला क्यों नहीं जा रहा है आपका, नहीं गवर्नमेंट स्कूल है फ्री है, लेकिन मेरा गांव से गवर्नमेंट स्कूल जाने के लिए 100 रुपया, सो आने जाने के लिए 200 रुपया। हम टी गार्डन वर्कर है साहब, हम टी गार्डन वर्कर है, हमको 200 रुपया मिलता है। सो 3 दिन में बेटी को बेचता है 200 रुपया में, और फिर 3 दिन का बाद बेटा को बेचता है। ये टाइप का गरीबी हम लोग का जाति में है। सो ये अपना एम्बिशन आगे करने नहीं, लेकिन हाँ ये हम लोग का जातीय मुद्दा, हम लोग का ये इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, इसमें हल करने का लिए हम लोग का पार्टी कुछ करने, यानी उपाय देखने से, अपॉर्चुनिटी देखने से, पर्सनल अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन हम लोग का जाति, हम लोग का क्षेत्र का ऊपर डेवलपमेंट करने अपॉर्चुनिटी होने से हम लोग नहीं भी नहीं करेगा। लेकिन अभी ये जो हम इंडिया का घटक दल है, हम कांग्रेस ज्वाइन किया है, ये सब अफवाह और ये रूमर्स है, और रूमर्स में हम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बहुत अच्छी बात आपने स्पष्ट किया कि फिलहाल आप किसी पार्टी कांग्रेस से जुड़े नहीं, और इन अफवाहों, इन्होंने आपने अफवाहें बताई, और ये भी एक बात बताया, बीजेपी ने उसका संकल्प पत्र में जो लिखा हुआ है 3 पॉइंट लिखा हुआ है, मिनिमम वेजेस फॉर टी गार्डन वर्कर्स, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर आर पीपल, और तीसरो जो 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज, लेफ्ट आउट कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देगा बोल रहा है। ये 3 संकल्प में एक ही संकल्प, और 2 महीना है ये सरकार को, ठीक है सब राम मंदिर के पास लग गया क्या, लेकिन गोरखा लोग का जो इश्यू में 3 संकल्प में सिर्फ एक करने से भी मेरा सपोर्ट बीजेपी को देगा, क्यों नहीं देगा, संकल्प करने से तो देना पड़ेगा, लेकिन नहीं देने से ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहा है, अभी भी ढूंढ रहा है। सो आप
जो बोला ना बीजेपी का साथ नजदीक नजदीक नहीं, बीजेपी को सोचना चाहिए। गोरखा लोग लॉयल होता है, लेकिन अभी समय आया आप लोग का वचन आप लोग का प्रॉमिस पूरा करने के लिए, नहीं करने से गोरखा लोग आपका साथ नहीं है इस बार। सो आप ये भी बोल सकता है कि बीजेपी को मेरा क्रिएटिव प्रेशर भी है। चलिए ये आपका रचनात्मक दबाव बिल्कुल, और बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग कॉल है कि भाई वो अपने जो घोषणा पत्र है उस पर कम से कम अमल करे। और तीन जो मांगे सर आपने बताई बिल्कुल, ये जो ट्राइबल स्टेटस की जो आपने बात की, असम में भी ये बड़ा मुद्दा है, जो कम से कम 6 लाख गोरखा पॉपुलेशन यहाँ भी है, पूरे पॉपुलेशन का 2% जो पूरी जनसंख्या का गोरखाओं की यहाँ जनसंख्या है, मालूम है। और भारत के विभिन्न हिस्सों में चाहे उत्तरांचल हो सिक्किम हो जहां भी गोरखा बसे हैं, आज मणिपुर में भी है। तो चूंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, आप सांसद बने या ना बने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप जो मौके हैं वो अपनी पार्टी के लिए अपनी जाति के लिए देख रहे हैं, अपने लिए नहीं देख रहे। तो आप पार्टी सुप्रीमो के रूप में आप एक बड़ी पोजीशन पर हैं, लेकिन एक जब पार्टी बनाते हैं तो उसका विस्तार की भी योजना होती है। असम में आप आए हैं इम्फाल से होके, तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी के विस्तार के लिए भी कोई दरवाजा आप देख रहे हैं? नहीं, पार्टी का विस्तार के लिए अभी सोचा नहीं, क्योंकि पार्टी विस्तार करने का आगे हम लोग का घर ठीक होना पड़ेगा। और मेरा बेस क्या है, किधर है, दार्जिलिंग में है, लेकिन बहुत सारा गोरखा लोग असम में है, मेरा अपना आदमी लोग भी असम में है। प्रीवियस स्पीकर ऑफ असम असेंबली टंखा बहादुर राय इज माई अंकल, ही बिकेम अ मिनिस्टर इन गोगोईज कैबिनेट ऑल्सो। सो ऐसे बहुत है, एंड असम का गोरखा लोग का भी माने डिमांड्स है, गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल का मांग है, अभी से नहीं बहुत आगे से गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल, और ये लेजिटिमेट मांग है, क्योंकि बहुत सारा दूसरा बोडोलैंड ये दूसरा लोग को भी मिल रहा है। सो ऑटोनोमस काउंसिल फॉर गोरखाज इज डिमांड एंड आई स्टैंड फॉर इट, एंड आई फील दैट द कांग्रेस पार्टी विल, कांग्रेस पार्टी ने माने दे बिलीव इन इन ट्राइबल वेलफेयर, दे बिलीव इन माइनॉरिटी वेलफेयर, दे बिलीव एक इंडिया में हर समूह का देख माने उसका डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होना चाहिए। सो आई बिलीव कांग्रेस शुड लुक इन टू दिस डिमांड ऑफ कांग्रेस of Assamese Gorkhas, not just Assam, Sikkim, Darjeeling, or aap sahi bola 6 lakhs Gorkhas, that is much more than Darjeeling mein. Mane Gorkha population Assam mein Darjeeling se bhi bahut hai. So isliye you know that demand of Gorkha people in Assam of autonomous council is there, the demand for land rights is there, you know. So ye sab ka liye bhi हम लोग का पार्टी का नेटवर्किंग विस्तार नहीं बोल देगा अभी, लेकिन नेटवर्किंग शुरू हुआ है हम लोग का गोरखा भाई। ये नॉर्थ ईस्ट में मेरा नॉर्थ ईस्ट में आने का नंबर वन प्रायोरिटी, हम सिलगुड़ी से उधर नहीं जा रहा है, बिहार नहीं जा रहा है, यूपी नहीं जा रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्यों आ रहा है कि बिकॉज आई नो मेरा जाति का गोरखा जाति नागालैंड मणिपुर मिजोरम मेघालय असम इस पर बहुत सारा हम लोग का जातीय यू नो पीपल पॉपुलेशन है, और वी वांट टू नेटवर्क विद देम एंड वी वांट अ गार्जियन। इंडिया भर भारत भर हम लोग का संख्या बहुत छोटा है, छोटा संख्या, सो दिस संख्या मीन्स गुड लीडरशिप, सिर्फ आंदोलन सिर्फ ये टाइप का नहीं, प्रोएक्टिव हम लोग देश का कैसे हम एक प्रोएक्टिव और कॉन्शियस सिटीजन बनूं, और इसका लिए लीडरशिप का जरूरत है, फॉरवर्ड थिंकिंग यूथ लीडरशिप का जरूरत है। हम लोग का जाति इंडियन कॉन्टेक्स्ट में असम हो मणिपुर हो वेस्ट बंगाल हो सिक्किम हो एक यूनिटी में आना, हम लोग का नेपालीपन हम लोग का गोरखापन ये इतना बड़ा भारत देश में ये नहीं घूमना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, लेकिन इसका लिए गोरखा जाति सिर्फ असम में सिर्फ सिक्किम में नहीं, हम लोग इस बार ये 2024 का इलेक्शन इज नॉट फॉर जोरहाट ओनली, इज नॉट फॉर दार्जिलिंग ओनली कैलेंडर, इट इज फॉर इंडिया, इट इज फॉर इंडिया। सो हम लोग गोरखा किसका साथ खड़ा हुआ है, जैसे
बीजेपी का डबल इंजन हम लोग मणिपुर नागालैंड में देखा है। डबल इंजन क्या होता है, देखा रास्ता साफ देख लिया, माय गॉड नागालैंड में 99% रोड्स आर हॉरिबल। डबल इंजन सरकार असम में भी देख रहा है, लेकिन गोरखा लोग को क्या, ऑटोनॉमस काउंसिल हम लोग का सीएम माननीय हेमंत दा है इधर, इन गोरखा लोग का ये ऑटोनॉमस काउंसिल का कुछ बात ही नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू कम टूगेदर, किसी का साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन हम लोग का जाति कैसे एकत्रित रहे, ये इतना हम लोग का ये भारत देश में, और हम लोग कैसे प्रोएक्टिव नेशन बिल्डिंग में लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई अजय एडवर्ड्स ने, और जो सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने बताई कि वो जितने भी जो गोरखा मूल के लोग हैं वो पूरे भारत में उनको कनेक्टिव करना चाह रहे हैं, उनको जोड़ना चाह रहे हैं, और जो सबसे अहम बात है कि यहाँ पार्टी विस्तार नहीं लेकिन एक नेटवर्किंग जरूर वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाइयों को वो जोड़े, और जो पूरी जो भारतीयता है, जो पूरी भारत की जो एक वो प्रारूप है उसमें वो उसको पूरी तरह उतारे। एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं दार्जिलिंग में, ग्लेनरी रेस्टोरेंट, और काफी अच्छा जायका है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जो अभी फिलहाल वो जिस रफ्तार पे चल रहे हैं, तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई, अगर घोषणा पत्र पर अमल नहीं हुआ, तो भाजपा का जायका भी बिगाड़ सकते हैं। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए है, और जो डिमांड्स जो दी गई है कम से कम अगर उन पर अमल होता है तो उन्हें खुशी होगी। राजीव गांधी को वो याद करते हैं सुभाष घोसिंग के टाइम में जो उन्होंने पहल की थी, और 2017 के आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की भूमिका से काफी नाखुश है अजय जी, लेकिन उन्होंने खुलकर आज मुद्दे पर बात की, और हमने जो बातें कही बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो किसी तरह के बार्गेनिंग के मूड में नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी जाति के लिए जो भी चीजें सरकार आगे बढ़ा रही है, जो अपनी बातें कह रही है, उन बातों पर वो खरी उतरे, वो अमल करें। यस अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुलाकात के लिए, और अजय एडवर्ड आपको शुभकामनाएं, आप राहुल जी की न्याय यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप असम को भी इस बहाने नागालैंड को देखकर आए, असम को भी आप देखें और असम की खूबसूरती को देखें, और हम चाहेंगे कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, उसमें आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।